में चल रहा है, त्रिकोणमिति में चल रहा था, और त्रिकोणमिति पे हमने बताया था कि कैसे वैल्यू उसका मान ज्ञात करते हैं। किसी भी जितना क्लास चला था उसमें किसी को कुछ पूछना नहीं ना है, बताइए। जितना क्लास हुआ था उसमें किसी को कुछ पूछना नहीं ना अभी। चलिए अर्पिता बबली बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बताइए मोनिका यादव। चलिए नहीं बताएंगी। कॉस थीटा का मान बताइए। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। ठीक, आधार बटे कर्ण जी सर। चलिए सही है। अब पहले आपको करा देते हैं इसमें। अब इसके बाद से कौन सा टॉपिक है आपका, मान ज्ञात करना है 65, मान ज्ञात करना है। चलिए अब मान ज्ञात करने वाला सीखना है आपको। अब माइक ऑफ कीजिए सभी लोग। अब देखिए ध्यान से, इसमें त्रिकोणमिति में हमने जो कल पढ़ाया था आपको, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करा दे रहे हैं, जल्दी देख लीजिए आप लोग। हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि जो समकोण त्रिभुज से मेरा स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति का, ठीक, ए बी और सी, यहाँ पे होता है 90 अंश। जब आप यहाँ से देखना चालू करोगे तो इसके संदर्भ में मेरा ये हो जाता है लंब, क्योंकि यहाँ से देखने पे जो मेरे सामने लंबा एसम सेम खड़ा है तो क्या है लंब। इसके आधार नीचे, जब यहां से नजर नीचे करोगे जो आधार हो गया, क्या होगा मेरा आधार हो गया, मतलब ये होता है बेस, इसका नाम है बेस, मतलब आधार, आधार इसका नाम है लंब, लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, इसका नाम है कर्ण, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, काम खत्म इनका। तो ये सारे बातें किसके टर्म में लिखा है, जब यहाँ से एंगल सी को लिया जाता था, ठीक है। अब देखो, एक बताया था आपने, इसमें हमने बताया था इसका ट्रिक, लाल बटा कक्का, LAL अपान कक्का, K K A, लाल बटा कक्का। ऊपर पहला मेरा नाम चलेगा किसका, साइन थीटा, साइन थीटा जो लिख रहा था इसके लिए लिख रहे थे, यहाँ पे लिख सकते हो साइन सी या फिर कॉस सी, फिर यहाँ पे क्या होगा टेन सी हो गया। इससे देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक इसके बाद फिर कास का उल्टा सेक, सेक, और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट। मैंने क्या बताया, साइन थीटा या फिर साइन सी, साइन सी मतलब क्या लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का मतलब क्या होगा कर्ण बटा में लंब, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का मतलब कर्ण बटा आधार, टेन का मतलब लंब बटा आधार, तो काट का मतलब आधार बटा, खत्म। ये बातें कल की हुई थी। इसके बाद से मैंने बताया था कि कौन किसका क्या मान है, वो तो सब बताया गया था। इसके बाद से इसमें एक और टाइप बताया था कि ये जो होता है ये काम करता है पाइथागोरस, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, ये साइंटिस्ट ने जिसने इसको बनाया था, एक्चुअल में उसने खोज किया था, ठीक था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य इसका जो शिष्य था उस पे जाता है, ठीक, उसकी कहानी अलग है। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है हमारा, तो इसमें क्या है कि जो कर्ण पर के जो बना वर्ग है ए और सी, जो ए सी का स्क्वायर है ये हमेशा बराबर होता है समकोण के केस में ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, हिंदी में कहना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसका लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। ये मेरा कल की बातें थी, ठीक। आज मैं क्या करूंगा इस पे, इसका क्या है कि अब मान ज्ञात करना है, जिससे वैल्यू दे देगा कैसे कैसे ज्ञात करना। एक छोटा सा क्वेश्चन करा देते हैं उसके बाद से उसको कराते हैं, ये तो कल बताया गया था, फिर से इसको देखिए। आगे देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैसे मान लो कि दिया है टेन 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 3/7 कुछ भी दे, 3/7 टेन सी बराबर, ध्यान दो, यदि दे टेन, या फिर को इस प्रश्न को सारे लोग लगाएंगे कल जो वीडियो देखे हैं चाहे नहीं देखे हैं। देखो
दिया है कि टेन ए बराबर दिया है 3/5, 3/5। तो ज्ञात कीजिए, सारे लोग नोट करेंगे, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, साइन सी, साइन सी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉट, कॉट नहीं, सेक, सेक सी, या फिर कोसेक, सेक, हाँ ये सही, सेक सी, सेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, ट्रिग्नोमेट्री में दिया है आपसे टेन ए का मान दिया है। सारे लोग जानते हैं कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिभुजों का विज्ञान है, वर्क किसी पे करता है, त्रिकोण, त्रिभुज पे। इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो मैंने सबसे पहले बताया कि एंगल दोनों का चेंज है, यहाँ पे था साइन सी और यहाँ पे क्या है टेन ए। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कोण दिया है ए के लिए बोला है और पूछा है कोण सी पे, पूछा है आपसे, पूछा है कोण सी पे पूछा है। अब क्या करना है कि एंगल जब चेंज होगा तो वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे ये सीखिए आप लोग। अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे दिया है आपको त्रिभुज, ठीक, इसका नाम दिया है ए बी और सी, तो इसका मतलब अगर कोण सी दिया है, जिसको साइन थीटा, साइन थीटा हम बार बार कहते हैं, चाहे आप लोग कहते हैं, वो एक्चुअल इस थीटा की बात करते हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 है, वैल्यू इसका और इसका चेंज होता रहता है। इसका मतलब साइन सी कहने का मतलब, साइन थीटा कहने का मतलब कि इसको देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। जहां पे एंगल देगा, जैसे आप मान लीजिए सी, तो अपनी खुद आई, मतलब अपने आंख को यहां रखो, इस आंख वाले इस पोर्शन से, यहां से अगर मान लो, यहां से अगर देखोगे तो ये जो सामने दिखाई देगा, बिल्कुल सामने वाली जो भुजा है ये एकदम लंबा है हमारा, जिसको क्या बोलेंगे, लंब के नाम से जानेंगे। तो मेरे आंखों के सामने जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। यहां से जब मान लो आपकी नजर है, इसको नीचे देखोगे, झुका के नीचे देखोगे, तो ये कहाँ देख रहे हो, आधार पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आधार पे। तो ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। लेकिन यहीं से खड़े हो और पीछे चोटी के पीछे से मान लो कान एक पीछे, तो इसको सीधा से समझ सकते हो, क्या है ये, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। ये किस केस के लिए है, जब एंगल, जब थीटा का मान किस पे काउंट किया गया है, सी पे काउंट किया गया है। लेकिन अगर इसी एंगल पे, यदि इसी त्रिभुज पे, इसी कोण पे देखा जाए, अगर मान लो ए बी और सी, ठीक, अब मैंने पहली बार सी से देखा, लेकिन जब ए से देखने की बात करेंगे तो आपकी नजर यहां पे हो गई। अब यहां से देखना चालू किया, आप देखो यहां से खुद देखो कि मैं अपने, मेरा आई यहीं पे, आंख है आपका, जब यहां से देखोगे इस केस में, तो देखोगे तो यहां से तुम्हारे आंखों के सामने कौन पड़ेगा, सीधा बीसी वाली भुजा पड़ेगा। तो एंगल ए के संदर्भ में मेरा जो सामने बीसी है, अब ये किसका नाम हो गया, ये बन गया लंब, ये बन गया लंब। अब यहां से जब अपनी नजर को नीचे, मान लो ऊपर से देख रहे हो छत से, अब यहां से जब अपनी नीचे नजर झुकाओगे इस पोर्शन ए बी वाले पे, तो इस केस में जो ए बी होगा अब किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा, ठीक है। और जो ये ऐसे दिया है कर्ण, ये कर्ण हमारे सा कर्ण का ही काम करेगा। इन दोनों का काफी महत्व है, जैसे अगर रेटू लाइफ में देखिए इसका यूज क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इसका यूज जो होता है, बड़े बड़े जब पुल उल बनाए जाते हैं तो उसका यूज होता है, काफी अच्छा चीज है ये। अब देखिए ये समझ गए आप लोग कि जैसे अगर एंगल चेंज, यहाँ पे क्या है, थीटा का मान हम क्या रखे हैं, एंगल ए रखे हैं, और यहाँ पे थीटा का मान एंगल सी रखे हैं। तो आपसे प्रश्न ही पूछा गया है कि टेन ए, इसका मतलब बात इसका दिया है, बात इसका दिया है टेन ए का, और पूछा क्या है, और पूछा क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ दिया है सी के संदर्भ में, क्वेश्चन सी पे पूछा गया है, साइन सी और सेक सी थीटा ऐसे दिया है। तो मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले इसको तो सॉल्व करके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे, और त्रिभुज की जब तीनों भुजा आ जाएगी तो जहां से देखना वहां से हम देखकर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अभी इसको हटाते हैं, अब पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो दिया है आपका, यहाँ पे जो प्रश्न, देखो जो प्रश्न मिलता है पहले प्रश्न वाले पोर्शन को रखो, तो इसको लिखना है, इसको लिखते हैं हम, यहाँ देखो
आपके एग्जाम में यहाँ लिखोगे, हाँ लिखने के बाद इसके बारे में लिखोगे क्या दिया है, टेन ए, तो पहले इसका नाम लिखो ए बी और सी। ये तो बेचारा 90 पर रहता है, इनका काम खत्म। ए की बात क्या है ना, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब का मान कितना है, 3 है, तो इसका लंब क्या होगा, इसका लंब होगा बीसी, अर्थात जो बीसी का मान होगा कितना होगा, 3 होगा। अब देखो आधार कौन है, 5, तो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, ए बी, और ए बी मेरा कितना है, 5 है। तो किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा पता हो, समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मुस्कान यादव बताइए, पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब एसी का स्क्वायर, ये क्या होगा, लंब का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, प्लस प्लस आधार का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसी पे, एबी मेरा कितना दिया है, एबी दिया है 5, 5 पचे 25, बीसी क्या दिया है, 3, 3 तिली के 9, और 25 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 34 होगा। ये क्या हो गया, एसी का स्क्वायर। तो जब एसी का मान निकालोगे, तो जब ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब जाता है तो उसको करणी में कर देता है, इसको क्या कर देगा, करणी में कर देगा, क्या 34। इसका मतलब जो एसी वाली भुजा है क्या हो गई, 34 हो गई, क्या हो गई, 34। अब देखो आपसे पूछा क्या गया, पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, पहला प्रश्न पूछा गया था साइन, साइन एंगल सी, साइन एंगल सी के बारे में पूछा गया है। सर कड़ी में 34 होगा। आपसे उत्तर मांग रहे, कैसे कड़ी में 34 होगा, कड़ी में 34 होगा सर, यहाँ सर 34 लिखिए कड़ी में सर। अच्छा यहाँ पे हम सब एक पूरा इसका आंसर बता दिए। अब देखिए साइन सी की बात किया गया है, इसका मतलब अब इसका आपसे प्रश्न पूछा गया इसके संदर्भ में, लेकिन आंसर मांग रहा है कहाँ से, यहाँ से मांग रहा है, यहाँ से सीधा। तो अब यहाँ से लगाओ साइन सी, यहाँ से देखने के लिए बोला है, यहाँ से देखने के, देखो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब मेरा क्या दिया है इसमें, इसके इसके संदर्भ में लंब मेरा क्या है, ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी और लंब बटा कर्ण, इसके संदर्भ में कर्ण क्या है, ए सी हो गया। तो अब देखो ए बी क्या दिया है, तो ए से बी मेरा क्या है, 5 दिया है, और ए से सी क्या दिया है, अंडर रूट में 34 दिया है। तो पहले वाला का मेरा उत्तर क्या हो गया, आ गया, पहले वाले का उत्तर क्या हो गया, आ गया। सेकंड पोर्शन आपसे पूछा है, सेकंड पोर्शन जो आपसे पूछा है वो पूछा है सेक एंगल सी, ये दिया है सेक एंगल सी। अब देखो सेक यहाँ पे और सी से देखना है यहाँ से, ठीक। तो देखो और कास का उल्टा सेक होता है, तो कास थीटा बराबर मेरा होता है आधार बटा में कर्ण, तो सेक का मान क्या होगा, कर्ण बटा में आधार, क्या होगा, कर्ण बटा में आधार। कर्ण को चेक करो, कर्ण, कर्ण मेरा क्या है, अंडर रूट में 34, अंडर रूट में 34, आधार मेरा क्या है, आधार, आधार मेरा क्या है, 3, बी सी, तो क्या हो गया, 3, इसका भी आंसर आ गया। इस हिसाब से आप चाहे जितने भी डाटा पूछे आपसे, कास टेन जो भी छूट गया है, सबका आप निकाल सकते हो। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब ऐसा प्रश्न आ गया, आप लोग का टेस्ट होगा ये जान जाओ, अभी थोड़ा और एक दो चैप्टर पढ़ा लें तो पिछले जितना पढ़ा है उसका एग्जाम टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, देखेंगे कौन कैसे लगा रहा है, ठीक है। इस बार आप लोग काफी अच्छे से मेहनत कीजिए और टेट वाले में अच्छा नंबर लाइए, अब तो टेट लाइफ टाइम कर दिया है। चलिए इसमें किसी को दिक्कत हुआ एक भी पर्सन को तो बताइए, नहीं तो इसमें अगला टाइप बताते हैं, मतलब ये टॉपिक खत्म ही हो गया, अब दूसरा मान निकालने वाला बताएंगे। त्रिकोणमिति काफी अच्छा चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग है, सब लोग को पहली बार में समझ में भी नहीं आता है, जिनका छूट गया जिनका नहीं छूटा उनको तो कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। आकांक्षा, रिंकी, सीमा, राम, नितिन, ज्योति, बबीता, अक्षय, स्वेच्छा, मुस्कान, महेंद्र सागर, मोनिका, किसी को दिक्कत है ना अर्पिता, इसको नो सर, आप लोग नोट लगाएंगे सर अब इसको, हाँ इसको नोट कर लीजिए, और जिनको और दिक्कत थोड़ा नोट करने में सैटिस्फाई कर लो, ठीक। लेकिन ये जान जो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, एंगल वाली बात फंसाएगा, ये ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं क्वेश्चन, अगर पढ़ाना भी कभी आपको मौका मिले पढ़ाने का भी, तो ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हैं, इसी को देखना है बस। अगला टाइप हो गया तो बताइएगा,
चलिए अब देखिए सबका वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे किसका क्या मान होता है एंगल पे, एंगल पे किसका क्या मान होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में कुछ ना कुछ सबका मान दिया है, उसका मान क्या क्या होता है उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए सारणी बनाना हम आपको सिखा देते हैं, लाइव सीख लीजिए आप। ठीक है, देखिए नाम मेरा छह होता है, कहां से कहां तक कैच कर रहा है, यहां से और यहां तक कैच कर रहा है ना। चलिए चलिए देखिए पहला जो होगा मेरा, पहला होगा साइन थीटा, पहला होगा साइन, तो साइन जीरो से स्टार्ट किया है, साइन ऐसे दिया है पैरेलल दिया है, यहां पे दिया है साइन जीरो अंश, साइन जीरो या फिर थीटा है क्या, चलो पहले साइन थीटा लिखो, इसमें साइन थीटा पहले पे आता है, साइन थीटा, साइन थीटा दूसरे पे जो मेरा आता है वो आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा तीसरे पे जो मेरा आता है टैन थीटा, बोलो कोई दिक्कत बताओ, चौथे पे जो मेरा आता है टैन के बाद क्या आता है कॉट थीटा, टैन के बाद दिया है कॉट थीटा, पांचवा पांचवा जो होता है, पांचवा जो है आपका कॉस होता है, सेक हाँ सेक होता है, और सेक थीटा के बाद होता है छठवां कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा। ठीक, एकदम इस देखेंगे आराम से आप लोग आ जाएगा, ऐसे चार्ट अपने मोबाइल अपने कॉपी में बनाइएगा सारे लोग। ठीक है, चलिए ज्यादा ही तो हो गया क्या, ऐसे चलिए अभी भी ऊपर हो जा रहा है ना, चलो कर दिया मैंने मोबाइल पे था। चलिए अब देखिए अब सबका एंगल लिखेंगे हम, यहाँ पे मेरा बात होगा कोण के बारे में, एंगल के बारे में, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण के बारे में, एंगल कोण, कौन कौन कोण है ध्यान दो, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा जीरो अंश की, जीरो अंश की, जीरो के बाद तीस अंश की बात होगी, तीस के बाद पैंतालीस अंश की बात होगी, पैंतालीस के बाद साठ अंश की बात होगी, और साठ के बाद क्या है सीधा नब्बे अंश, काम खत्म। ठीक है, आगे देखिए ये कोण वाला पोर्शन का काम खत्म। अब देखो कैसे मान ज्ञात करना है, याद भी हो जाएगा तुरंत, इसको याद भी करना जरूरी है। देखिए चलो आप लोग बताओ, ये साइन है मेरा ठीक है, और ये जीरो है, तो साइन के जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो, साइन जीरो अंश का मान जीरो, जीरो बहुत सही जीरो अंश, साइन तीस अंश का मान कितना होता है, वन अपॉन टू, तीस अंश का मान एक बटा दो बहुत सही, साइन पैतालीस अंश का मान क्या होता है एक बटा करणी में दो अंडर रूट टू। ठीक, आगे देखो साइन साठ क्या होता है करणी में अंडर तीन बटा में दो, दो बहुत सही, साइन नब्बे एक होता वन, है वन, इतना सारे लोग मतलब पहले वाला चार्ट याद होना चाहिए, एक चार्ट याद हो गया तो सबका मान आप ज्ञात करते हो कैसे, साइन का उल्टा मेरा क्या होता है कोसाइन कहते हो या फिर इसको क्या कहते हैं कोसेक होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, कैसे उल्टा, कल सूत्र लिखवाए थे, कहे थे कि मेरा साइन थीटा होगा तो किसका उल्टा होगा एक बटा कोसेक थीटा का, अर्थात जो साइन का वैल्यू है इसका हम उल्टा कर देंगे तो किसका होगा कोसेक का हो जाएगा, सीधी हो गया। तो अब देखिए साइन मेरा है साइन और साइन का उल्टा करना है, तो साइन क्या है यहाँ पे जीरो, तो इसका बिल्कुल उल्टा, तो देखो साइन जीरो अंश का मान क्या है जीरो,
तो कोसेक में देखो, जब इसका मान हम जीरो कर देंगे, अगर कोसेक की जब बात करेंगे, जब कोसेक थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, एक बटा जीरो, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे कोसेक का मतलब एक बटा साइन थीटा लिखेंगे ना। तो अब देखो, एक जब साइन का मान लिखेंगे, साइन जीरो का मान जीरो रखें, तो किसी भी संख्या से जीरो से भाग करते हो तो मेरा क्या होता है, एक बटा जीरो का मतलब क्या होता है, अनंत। तो इसका मतलब कि कोसेक जीरो का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इसका काम खत्म। साइन तीसंस, इसका मतलब ये उल्टा होगा यहाँ पे रखने पे, तो जो पहले दो नीचे था अब कहाँ चलेगा, दो ऊपर, तो कोसेक तीसंस का मान क्या हो गया, दो हो गया। अब आते हैं 45 पे, तो 45 कोसेक 45 साइन 45 एक बटा करणी में दो, इसका मतलब कोसेक इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा, करणी में केवल दो हो जाएगा। आगे बढ़िए, कोसेक साइन 60 करणी में 3/2, तो कोसेक 60 मेरा क्या होगा, 2/2 का उल्टा, 2/2 करणी में 3, बहुत सही। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे दिया है साइन 90, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 अंश का मान, तो जब एक का उल्टा तुम 1/1 भी लिखोगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, 1 ही होगा, इसका मान 1 होगा, इनका काम खत्म। अब देखिए, जो वैल्यू साइन का ऐसे होता है ना, माइक बंद करो, जो साइन का वैल्यू ऐसे होता है, जैसे अगर साइन में हम ऐसे चले हैं तो कॉस में उल्टा चलने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, अगर मान लिए कि कॉस जो जीरो अंश का मान होगा वो कॉस 90 अंश का मान होगा, इसका मतलब कि कॉस जीरो अंश का मान मेरा क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, कॉस, देखो कॉस जो 30 का मान होगा, घट ऐसे आएंगे, तो देखो कॉस 90 अंश का जो मान होगा, साइन 90 अंश का जो मान होगा वो कॉस 0 अंश का मान होगा, साइन जो 60 अंश का मान होगा वो साइन 30 अंश का मान होगा, तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा, करणी में 3/2। आगे बढ़ो, और साइन 45 इधर से भी आया, इधर से आया, दोनों का मिलन यहीं पे हो गया, तो इसका मान भी क्या होगा, 1/2 करणी में 2 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे बढ़िए, अब देखो साइन के कॉस का 60 अंश का मान, कॉस का 60 अंश का मान साइन के 30 अंश के बराबर होगा, इसका मतलब किसका मान सीधा हो गया, 1/2, इसका मतलब कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2। अब मैंने बताया कि साइन के कॉस के 90 अंश का मान साइन के 0 के बराबर, इसका मतलब कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इनका भी काम हमने कर लिया खत्म। आगे देखिए, चार्ट में किसका नाम आता है, टैन थीटा का, तो टैन थीटा हम कल ही आपको फार्मूला बताए थे कि जो हमारा टैन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू से हम भाग कर देंगे तो किसका माना जाएगा, टैन थीटा का माना जाएगा, तो वैसे ही इस पे लगाइए, टैन थीटा का मतलब का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा पहला 0/1, किसी भी जीरो में या तो किसी संख्या से गुणा करो या तो किसी संख्या से भाग करो, वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसका मान क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे बढ़िए, जब आप साइन थीटा अपन कॉस थीटा इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2, फिर भाग करेंगे, जैसे मान लो इसका मान है 1/2, फिर भाग करना है किसका, करणी में 3/2 का, तो जो ऊपर, हाँ करणी में 3/2 का, ये ऊपर, इसका मतलब आ जाएगा 1/2 करणी में 3, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे बढ़िए, जब इसका होता है 45 पे जब पहुंचेंगे तो ये जितना इतना उतना ही नीचे, क्योंकि भाग में नीचे हो जाए तो कट जाएगा दोनों आपस में, इसका मान क्या होगा, टैन 45 इसका मान 1 होगा। आगे बढ़ते हैं 60 पे, तो टैन जब 60 की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन 60 अपान कॉस 60, करणी में 3/2, भाग में 1/2, 2 से 2 गायब, तो क्या बचा केवल करणी में 3 बचेगा। आगे बढ़िए, अब आया टैन 90 अंश की मान, टैन 90 अंश का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका मतलब होगा 1/0, और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है, अनंत हो गया। आगे बढ़िए, इनका भी हम लोग हिसाब क्लियर कर लिए। अब देखिए, टैन की बात नंबर आता है किनका, काट का, और कल ही बताया गया था कि जो आपका काट का जो मान होता है वो टैन का उल्टा होता है, क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, बताया गया था ना कि कॉट थीटा का मान क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा। अब देखो, अगर टैन थीटा का मान इसमें जीरो है तो इसमें क्या हो जाएगा,
जीरो है तो इसका मान क्या होगा, एक बटा जीरो होगा, क्या होगा, एक बटा जीरो। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम काट जीरो की वैल्यू बताएं, काट जैसे मान लो कि काट काट जीरो का जब मान की बात करेंगे तो एक बटा टेन जीरो, तो टेन जीरो खुद जीरो है, जब जीरो में किसी संख्या से भाग करो तो अनंत हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया। इनका काम खत्म, आगे बढ़िए। अब देखिए काट काट है आपका तीस अंश, तो टेन का उल्टा तो क्या बेचारा हो गया, एक बटा करणी में तीन है तो केवल करणी में तीन हो गया। आगे बढ़िए, काट पैंतालीस अंश, इसका मतलब टेन पैंतालीस का उल्टा, तो टेन पैंतालीस खुद ही एक है और एक का कितना भी उल्टा करोगे तो एक ही होगा। आगे बढ़िए, टेन साठ अंश का मान करणी में तीन होता है तो काट साठ का मान क्या होगा, एक बटा करणी में तीन, क्या हो जाएगा, एक बटा करणी में तीन। आगे बढ़िए, अब मेरा अगला है कि टेन नब्बे अंश का मान होता है अनंत, तो टेन टेन नब्बे अंश का मान जब अनंत होता है तो काट नब्बे अंश का मान बताइए, बताइए महेंद्र सागर। अच्छा अच्छे बताइए, जब हमारा टेन नब्बे अंश का मान अनंत होता है तो काट नब्बे अंश का मान कितना होगा, राम के नाम से जीरो होगा, इसलिए जीरो होगा क्योंकि अनंत जो मेरा होता है एक बटा जीरो होता है इसका जस्ट उल्टा, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, खत्म। अब मेरा आ गया बारी किसका, सेक थीटा का। अब बारी आ गया सेक थीटा का, तो सारे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब अब कास का उल्टा करते चलो, अब यहाँ पे देखो कास जीरो अंश का मान क्या है, एक है, तो इसका मतलब एक जीरो का भी मान क्या होगा, एक ही होगा क्योंकि एक का कितना भी उल्टा करो बात वही एक हो गया। आगे बढ़िए, कास और सेक पे बातें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे अगर कास तीस अंश का मान दिया है करणी में तीन बटा दो, तो सेक तीस अंश का मान अब क्या होगा, दो बटा करणी में हो गया, दो बटा करणी में तीन, काम खत्म। हाँ आगे देखिए, अब दिया है आपसे मान, पूछा है कि पैंतालीस अंश का मान, तो कास पैंतालीस अंश का मान एक बटा करणी में दो, तो सेक पैंतालीस अंश का मान क्या हो गया, केवल करणी में दो, केवल करणी में दो, ठीक। आगे देखिए, कास जो दिया है आपका साठ अंश का मान दिया है एक बटा दो, तो सेक साठ अंश का मान क्या हो जाएगा मेरा, केवल दो हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब दिया है कास नब्बे अंश का मान जीरो, तो सेक नब्बे अंश का मान बताइए, अनंत, अनंत, क्योंकि जब इसका उल्टा करेंगे तो एक बटा जीरो और इसका मान क्या हो गया, अनंत। तो मेरा चार्ट बन के पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अगर आप लोग पहले वाले का मान ज्ञात करोगे तो सारा चार्ट खुद से बना सकते हैं, किसी का मान पूछे तुरंत बता दीजिएगा, ठीक। अभी भी बताओ किसी को समझने में दिक्कत है इसमें, तो फिर से इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। ये जान जाओ कि त्रिकोणमिति में इसका मान याद होना एकदम 100% जरूरी है, एकदम याद करना ही है। अब देखिए साइन जीरो, याद करो सब लोग, साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन तीस अंश का मान एक बटा दो, साइन पैंतालीस अंश का मान करणी में एक बटा दो, साइन साठ अंश का मान करणी में तीन बटा दो, साइन नब्बे अंश का मान वन। अब जैसे इसका उल्टा लाइन, कॉस जीरो अंश का मान वन, क्योंकि साइन नब्बे वन, तो कॉस जीरो वन। अब देखो यहाँ पे बढ़ते हैं, कॉस साइन साठ था करणी में तीन बटा दो, तो कॉस तीस क्या हो गया, करणी में तीन बटा दो। अब टेन पैंतालीस का उल्टा का मतलब इधर से आओ चाहे लेफ्ट चाहे राइट बात वही, तो साइन पैंतालीस का भी मान एक बटा करणी में दो और कॉस पैंतालीस अंश का मान भी एक बटा दो करणी में दो। अब आता है साठ की बात, तो कॉस साठ अंश का मान हो जाएगा एक बटा दो और कॉस नब्बे अंश का मान होता है जीरो। इसलिए जीरो क्योंकि पढ़े हुए फिजिक्स में कि कोई कूली अपने सर पे बोझ लेकर के और चल रहा है तो बताओ किए गए कार्य का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, एस एस कॉस थीटा, ठीक, वर्क इंटू मतलब एफ एस का थीटा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन और एंगल का वैल्यू एड हो जाता है। तो जब कास वैल्यू कास पे काम करता है तो वहां पे क्या हो जाता है, जीरो, इसलिए कार्य क्या होता है, जीरो माना जाएगा। तो इसलिए याद रखो कि कास नब्बे अंश का मान क्या होता है, जीरो। टेन की बात करते हैं तो टेन जीरो अंश का मान खुद ही जीरो होता है, जैसे साइन बेचारा जीरो वैसे टेन बेचारा जीरो। वैसे आता है टेन तीस अंश का मान, तो एक बटा क्या होता है, एक बटा करणी में तीन, टेन पैंतालीस अंश का मान वन, टेन साठ अंश का मान करणी में तीन और टेन नब्बे अंश का मान इन्फिनिटी। काट की बात करते हैं तो टेन का उल्टा,
जब 10 मेरा 90 अंश का मान अनंत था तो इसमें काट 0 अंश का मान अनंत होगा, 10 60 अंश का मान करने में 3 होता था लेकिन काट तीसरे अंश का मान क्या होगा करने में 3 होगा, 10 45 अंश का मान 1 होता था लेकिन काट 45 अंश का मान भी 1 है, 10 60 10 30 अंश का मान क्या होता था 1 बटा करने में 3 लेकिन काट 60 अंश का मान भी क्या होगा 1 बटा करने में 3, 10 0 अंश का मान 0 होता था लेकिन काट 90 अंश का मान क्या हो गया 0। सेक की बात करेंगे काट का बिल्कुल उल्टा, सात मेरा होता है 1 0 का मान 1 तो सेक का अभिमान क्या होगा 1 क्योंकि उल्टा करने पर कोई प्रभाव नहीं। देखो काट 30 अंश का मान करने में 3 बटा 2 तो सेक 30 अंश का मान 2 बटा करने में 3, काट 45 अंश का मान 1 बटा करने में 2 तो टेन काट 45 अंश का मान 1 बटा करने में 2 तो सेक 45 अंश का मान क्या होगा केवल करने में 2 क्योंकि ऊपर चला गया। अब देखो सेक 60 अंश का मान 1 बटा 2 इसका मतलब तो क्या हो गया सेक 60 अंश का मान क्या होगा केवल 2 ऊपर चला गया, काट 90 अंश का मान 0 तो सेक 90 अंश का मान अनंत क्योंकि 1 बटा 0 हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा है तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन बेचारा खुद 0 है तो 1 बटा 0 करेंगे तो अनंत हो गया। अब देखो साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 तो कोसेक 30 अंश का मान केवल 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटा करनी में 2 तो कोसेक का भी केवल करनी में 2। अब देखो साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा 2 तो इसका मतलब कि कोसेक 60 का मतलब क्या इसका उल्टा 2 बटा करनी में 3, फिर साइन 90 अंश का मान 1 तो कोसेक 90 अंश का अभिमान क्या हो गया 1, कोई चेंजेस नहीं ऊपर नीचे फिर कोई मतलब नहीं। ठीक तो ये मेरा चार्ट कंप्लीट हो गया होगा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है एकदम आराम से सीखिए, अब इसको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अब इसी के सहायते से मतलब अब मान के चलो ये तैयार हो जाएगा तो 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बाकी कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं बाकी तो याद तो सारा डाटा इसी पे ही चलेगा आपका, इसी पे केवल हम एक से लेकर 90 इसमें 90 तक निकालने के लिए बताएं लेकिन 1000 का कैसे निकालना है 2000 का कैसे निकालना है 150 का कैसे निकालना है 180 का सारा सबका बताया जाएगा। ठीक है तो ये चार्ट एकदम बेसिक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, सब लोग इसको एक बार नोट डाउन कीजिए उसके बाद से बताइएगा। किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं उसके बाद चलिए इसे क्वेश्चन कैसे कैसे देता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपका इससे दिया है, चलिए अपने मन से देखिए पहला क्वेश्चन साइन 45 अंश इंटू इसमें इंटू ये इंटू ऐसे नहीं लिखा जाएगा केवल एक डॉट रहेगा दशमलव मत समझना आप लोग, इंटू साइन 45 अंश इंटू इंटू टेन साठ अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू सेक 45 अंश ठीक इसका बात बताइए आप लोग, हल का मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। सभी लोग ध्यान देंगे का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक अब देखो इसका सारा यूज वही है, अगर किसी का चार्ट याद नहीं होगा तो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन अब चार्ट पे मतलब मान पे ही चलेगा। तो चलिए साइन 45 अंश तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान उसमें बताया गया था क्या होता है पहले इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं 45 अंश हाँ टेन साठ अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू सेक 45 अंश ये दिया है। अब देखो मान रखते हैं साइन 45 अंश का मान बताइए 1 बटा करणी में 1/√2 जी, टेन साठ अंश का मान बताइए करणी में केवल 3 प्लस कॉस 60 अंश कॉस 30 अंश समान बताइए करणी में 3 बटे 2 करणी में 3 बटा 2 बहुत सही 2 सेक 45 अंश समान बताइए करणी में 2
इसको सॉल्व कीजिए। अब भिन्नों का गुणा सीखे हो, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, कुछ नहीं तो एक दे दीजिए। तो करणी में तीन हो गया बटा, करणी में क्या हो गया दो हो गया प्लस। अब देखो दो करणियों का जब गुणा होता है, ध्यान दो, अगर मान लो कि रूट में ए दिया हो और रूट में बी दिया हो तो क्या हो जाएगा, एक करणी बन जाएगा, दोनों अंदर गुणा हो जाएंगे ए बी, ऐसे रूट ए रूट बी, तो एक रूट बना के ए बी कर देंगे। तो इसका मतलब कि करणी में तीन और कहते दो तिहाई छह, तो करणी में क्या हो जाएगा मेरा छ हो जाएगा बटा बटा, ये देखो क्या हो गया दो हो गया, ठीक ये क्या हो गया दो हो गया, ठीक। तो इसका वैल्यू इतना ही छोड़ दें कि और सॉल्व करें, इतना ही रहने दो, नहीं आंसर रख दो, हो गया ठीक। तो बिना वैल्यू का हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से और इसके फर्स्ट प्रश्न बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न है, और आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करके लाइए। कल से आप लोग त्रिकोणमिति का अच्छे अच्छे क्वेश्चन खुद पूछेंगे ला करके, किसी भी बुक से, बुक से कोई बांधेसा नहीं, किसी बुक से पूछ सकते हो आप लोग, बस हाँ चैप्टर यहीं रहना चाहिए, लगाने का पूरा कोशिश किया जाएगा ठीक। और टेट वाले में भाई मेहनत कीजिए, 28 को पेपर है, अब ये महीना भी खत्म होने वाला है, तो एक महीना के अंदर मैथी केवल नहीं पढ़ना, अदर सब्जेक्ट भी पढ़िए आप लोग, हिंदी हो गया जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर एक बार टेट, इस बार नहीं टेट साल भर पे आता है केवल यूपी टेट, तो अब फिर अगली बार पता नहीं अगले साल आएगा, तो साल भर के अंतराल में जो भी भर्ती आएंगी आप भर नहीं पाओगे, तो इस बात को आप पूरा ध्यान रखिएगा। अदर सब्जेक्ट से बाल विकास हो गया, आप पेडोलॉजी हो गई, उस सब्जेक्ट के बारे में तुमको पता भी नहीं है, तो वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए, अगर कहीं नहीं मिलता है तो किसी दूसरे चैनल पर जाकर पढ़िए, रोजगार वितंकित पर पढ़िए, बाकी जो भी चैनल चलाते हैं, एग्जामपुर पढ़ाते हैं, वाईफाई पर, जहाँ आपको अच्छा लगे एक चैनल को पकड़िए, वहीं से कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि डिसाइड करने में टाइम निकल जाएगा तो क्या पढ़ेंगे आप लोग। ये खत्म, अगला सॉल्व कराते हैं इसके क्वेश्चन, हटा दें इसको। जी जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक आपका बुक का क्वेश्चन है, कि बुक का क्वेश्चन दिया है, अभी तो मान चेंज करना भी नहीं बताए हैं आपको, थोड़ा देख लें कोई क्वेश्चन अच्छा है इसमें, तो इतने में ही खत्म कर दिया है, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं दिया इसमें, लेकिन हम आपको हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, इसमें कुछ भी दिया है चाहे ना दिया है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर का आर लाल का दिया है, देख लीजिए क्या है, लेकिन वो तो चलिए देखिए, लिखिए साइन 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस प्लस सेक 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 60 अंश इनटू इनटू साइन सेक 60 अंश इनटू कोसेक स्क्वायर 45 अंश प्लस प्लस टू कॉस 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। दिया है साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस सेक 60 अंश इंटू सेक 60 अंश इंटू कोसेक स्क्वायर 45 अंश कोसेक स्क्वायर 45 अंश प्लस 2 cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, सभी लोग ध्यान देंगे इसको लगाना कैसे, पहले आप लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करके दिखा दें, हम लगा के दिखा दें इसको, एक बार ट्राई करो, तो सभी लोग सारे लोग एक बार ट्राई कीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं तब तक तो लगा ले रहे हैं, सही है, चार्ट देख करके बिल्कुल लगाइए, और क्लास 9th का मैथ अपने पास रखिएगा सभी लोग, ठीक है, क्लास कक्षा 9 की गणित को अगर मिल जाए कहीं से तो रखो, उसमें सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिए हैं, सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, लेवल अब हाई करके इस चैप्टर को पढ़ा देते हैं, ताकि अगर पढ़ाना भी कहीं पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा, 10th को भी पढ़ा दोगे। चलिए तब क्लास को ऑफ करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर में,
सर इसे 3 पीस कर दीजिए। क्या चीज? सर ये इस क्लास को 3 पीस पे बंद किया करें, थोड़ा सा और ले लिया करें। अरे तो क्या जल्दी खत्म करके क्या करेंगे हम? बाकी सब्जेक्ट पढ़ो ना, टेट नहीं भरी है क्या आप? भरे हैं। बाकी सब्जेक्ट पे टाइम दो, हम अपने मैथ का जो 4 सेमेस्टर है आपके एग्जाम से 10 दिन पहले खत्म कर देंगे। ठीक, अब कहाँ ज्यादा दिन चलेगा ये? अब ये 30% क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं इसमें बुक का। चलिए ठीक, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं कब खत्म करना है। जी सर ठीक। चलिए ठीक, और कोई दिक्कत? जैसे हम करा रहे हैं तो उसको पता है ना कब खत्म करा। हम ये जो पढ़ाते हैं ये आप छोड़ना मत, उसको आप लोग कंटिन्यूस वे में पढ़ते चलना। ये नहीं करना कि आज क्लास बंद किया कल बंद किया। बता अगर मान लो कि किसी को कोई रीजन होता तो बता दिए कि मैसेज के ग्रुप में कि आज हम क्लास नहीं कर पाएंगे, या फिर उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। लेकिन भरसक कोशिश कीजिए सब लोग लाइव आएंगे तो पूछ सकते हैं अपने डाउट को। ठीक, माया गुप्ता कोई दिक्कत? मुस्कान यादव, मोनिका यादव, आप लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। आप लोग क्लास कहीं भी करो, क्लास कंटिन्यू जब करेंगे ना तभी हो पाएगा। स्वेच्छा, अर्पिता बबली, ठीक है। आर लाल का बुक से क्लास चल रहा है, पीडीएफ ग्रुप में है। और सभी लोग जो लोग आपके फ्रेंड हैं नहीं जुड़ पाए हैं उनको बता दीजिएगा। ठीक, चलिए ठीक। अब पिछले क्लास में तो देखी थी कौन कौन लोग जुड़े हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड है तो पूछ लीजिए क्यों नहीं जुड़ रही है टीचमेंट पे। चलिए ठीक है, तब क्लास को ऑफ करते हैं।